देखो, कल हमने करा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड सिलेंडर, ठीक है? इतनी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से बताया था। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल शेल, ठीक है? अब जरा देखो आपके पास क्या है। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेल है, इनफाइनाइट मतलब ऊपर खत्म ही नहीं होगा कहीं भी, ऊपर इनफाइनाइट, नीचे भी क्या इनफाइनाइट। ये इसकी एक्सेस, इस सिलेंड्रिकल शेल का रेडियस कितना आर, ठीक है? अब ये शेल है सिलेंड्रिकल, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो सारा चार्ज कहां होगा इसके, कर्व्ड सरफेस पे। और कैसा है, यूनिफॉर्मली मतलब इसके आउटर सरफेस पे चार्ज कर्व्ड सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना प्लस सिग्मा उसकी चार्ज डेंसिटी है। अब अगेन हमें क्या करना है, अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी बेटा आर दूरी पे, तो जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है अंदर आर दूरी पे, वहां पर हमने गॉसियन सरफेस बनाया। गॉसियन सरफेस हमने क्या लिया, सिलेंड्रिकल ले लिया, एल लेंथ का, रेडियस स्मॉल आर। अब अगर हम गॉस लॉ लगाएं इसमें, तो हमारे पास क्या, इफ आर लेस देन कैपिटल आर और हम गॉस लॉ लगा रहे हैं, तो ई डॉट ds इज इक्वल टू q enclosed अपॉन epsilon नॉट। बेटा व्हाट इज q enclosed, इस रीजन में चार्ज enclosed क्या है, जीरो है। इस रीजन में चार्ज enclosed क्या है, जीरो है, सिंस q enclosed इज जीरो। अगर q enclosed जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है राइट हैंड साइड क्या हो गया, जीरो हो गया। e ds cos theta, ds cos theta जीरो नहीं हो सकता है, तो अपने आप ही E किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। और ये बात हमने कल भी करी थी, अगर ये कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलेंडर होता चार्ज, तो भी सारा चार्ज सरफेस पे होता और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या आ जाती, जीरो आ जाती। अब दूसरी चीज, अगर हम बाहर बात करें किसी जगह पर आर दूरी पे, तो इसके लिए भी हमने क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया गॉसियन सरफेस। कैसा बना दिया हमने, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लिया। अब हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो बेटा, इस जगह पे पूरे कर्व्ड सरफेस पे जो हमने गॉसियन सरफेस लिया, उस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है, इतनी बात। तो ई ऐसे, ये हमारे पास क्या डीएस, ठीक है, इतनी बात। अगर हम दूसरी जगह बात करें यहां पर, तो E ऐसे और ऊपर की तरफ क्या ds परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ। अब अगर हम करते हैं गॉस लॉ लगाते हैं इसके लिए, इफ r ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R, तो E डॉट ds इज इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन epsilon नॉट। अब अगेन समस्या होगी, q इनक्लोज कौन सा चार्ज, ये वाला चार्ज, इसको L लेंथ का माना होगा ना, जो कर्व सरफेस पे आ रहा है इसके सिलेंडर के, कितना आएगा Q enclosed, जरा देखो Q enclosed इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई कैपिटल R इंटू L, ठीक है, इतनी बात। अब क्या आ गया हमारे पास, अब जरा देखो E ds कर्व सरफेस के लिए आ जाएगा, E डॉट ds यहां क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा प्लेन सर्फेसिस के लिए। तो क्या हो गया हमारे पास, E डॉट ds
फॉर कर्व सरफेस प्लस ई डॉट डी एस फॉर प्लेन सरफेस इज इक्वल टू व्हाट सिग्मा इंटू टू पाई आर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ आएगा। क्लियर इतनी बात? अब जरा देखो ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया, ये कितना हो गया ई बाहर, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में क्या है जीरो है, ई बाहर आ गया। डी एस इज इक्वल टू सिग्मा टू पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी एस डी एस कर्व सरफेस एरिया टोटल कितना हो जाएगा, ई इंटू टू पाई आर एल इज इक्वल टू सिग्मा टू पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम रिजल्ट आ गया जो हमने कल करा था, अगर ध्यान से देखो तो ई बराबर आ गया सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ठीक है, सेम रिजल्ट आ गया और आना भी चाहिए था, क्योंकि अगर ये चार्ज इनफाइनाइट सिलेंडर होता तो भी सारा चार्ज सरफेस पे आता यूनिफॉर्मली, और यहां पर भी सारा चार्ज हमने क्या ले रखा सरफेस पे यूनिफॉर्मली ले रखा है, तो रिजल्ट दोनों के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब अगर आपको ये बात क्लियर है तो यस लिखो फटाफट, आगे ध्यान दें। अगला देखते हैं बेटा, अगला बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। ठीक है इतनी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। अब जरा देखो बेटा, हमारे पास अगेन ये एक इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है, नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी, वॉल्यूम वाली होगी, तो हमारे पास ये इनफाइनाइट सिलेंडर है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एक्सेस हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने प्लस रो, और कैसा यूनिफॉर्म दे रखा है हमें, रेडियस कितना आर इसका। अब मुझे एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बतानी है आर दूरी पर, और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बतानी है आर दूरी पर, ये कहानी हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अगेन गॉसियन सरफेस की बात करेंगे अंदर वाले पॉइंट के लिए और बाहर वाले पॉइंट के लिए। तो हमारा जो गॉसियन सरफेस बनेगा, यहां पर मैंने क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया, ये गॉसियन सरफेस सिलेंडर ऑफ लेंथ एल। अब अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये कितना ई, और ये हमारा क्या डीएस वेक्टर। यहां पर अगर देखें तो ई प्लेन सरफेस पे और डीएस वेक्टर कैसा ऊपर। अब पहले मैं अंदर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो कितना हो गया, पहला इफ आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है इतनी बात, तो जरा देख लेते हैं क्या आ गया, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखो क्यू इनक्लोज कौन सा, ये वाला चार्ज जो इसके अंदर आ रहा है, ये क्यू इनक्लोज होगा कि नहीं होगा हमारा, तो कितना हो गया बेटा क्यू इनक्लोज, जरा देखो क्यू इनक्लोज इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, क्योंकि इसी के अंदर वाला चार्ज देखना है हमें, तो कितना हो गया वॉल्यूम कितना सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इनटू एल। ठीक है, ये क्यू इनक्लोज आ गया। अब इधर लिख लेते हैं ई डॉट डी एस फॉर कर्व सरफेस प्लस ई डॉट डी एस फॉर प्लेन सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखो ई डॉट डी एस प्लेन सरफेस वाला क्या हो जाएगा, जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ई बाहर, क्योंकि आर दूरी पे हर जगह कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो ई इंटीग्रेशन डी एस कर्व सरफेस इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डी एस क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस का एरिया, तो क्या आ गया ई इंटू टू पाई आर एल इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखो पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, एल से आपका एल कट गया। ठीक है इतनी बात, तो ई कम्स आउट टू बी रो स्मॉल आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, हमने पहले भी डिराइव करा था इसे, आगे बिल्कुल कि नहीं आगे, क्लियर है। अब इसके बाद हमें, अगर आपको क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस लिख दो फटाफट।
अब देखो बेटा, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, नहीं चलेगा तो ये चलेगा। अब हमारे पास क्या कहानी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बतानी है, तो हम बाहर गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अगेन ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने बाहर ले लिया, अगेन वही कहानी करनी है हमें, हमें इस जगह पर ई ऐसा होगा, कर्व्ड सरफेस पे हर जगह मैग्नीट्यूड फिक्स और रेडियली आउटवर्ड, ये हमारा डी एस, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा ऐसे, और ये हमारा क्या डी एस। अब अगर हम बाहर बात करते हैं, ठीक है इतनी बात, तो अगेन इफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, तो अगेन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब समस्या क्या, क्यू इनक्लोज, बेटा क्यू इनक्लोज ये वाला चार्ज हो गया, देखो जरा ये आएगा क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, तो क्यू इनक्लोज इज हाउ मच, रो इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल, अगर हमने इसकी लेंथ क्या मान ली है एल मान ली है, कोई दिक्कत है इसमें, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करें, लिखें इसे ई डॉट डी एस फॉर कर्व सरफेस प्लस ई डॉट डी एस फॉर प्लेन सरफेस इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा प्लेन सरफेस वाला ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई इशू ही नहीं है इसमें। यहां पर ई इंटू डी एस फॉर कर्व सरफेस विल बी इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया अपने पास आ गया। अब ई, अब डी एस देखो इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना, टू पाई स्मॉल आर इंटू एल इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कट गया, एल से एल कट गया, बेटा ई कम्स आउट टू बी रो आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हमने पहले डिराइव कर रखा है यूजिंग कूलम्स लॉ वाला तरीका, ठीक है इतनी बात, अगर आपको क्लियर है सबको तो यस लिख दो। अब इसके बाद अगला देखो, अब अगली कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक नॉन कंडक्टिंग, थिक नॉन कंडक्टिंग uniformly charged infinite sheet, ये भी करा हुआ है हमने पहले, ठीक है इतनी बात। क्या कहानी थी, एक हमारे पास ये thick non-conducting uniformly charged sheet है, तो इसके अंदर चार्ज है, इधर infinity, इधर इन्फिनिटी, आपके सामने इन्फिनिटी और अंदर की तरफ इन्फिनिटी, मतलब आप ऐसे मान लो कि मेरे पास ये एक शीट है, सामने इन्फिनिटी, पीछे इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, इसकी थिकनेस ये रही, ठीक है इतनी बात। अब नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड है, तो जो चार्ज डेंसिटी होगी इसके अंदर वो क्या होगी, प्लस रो, और इसकी थिकनेस कितनी दे दी मुझे, मान लो ये थिकनेस है हमारी। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे अंदर बताना है और किसी भी पॉइंट पे बाहर बताना है, ठीक है इतनी बात। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इस शीट का प्लेन ऑफ सिमेट्री लिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब आधी शीट ऊपर आधी शीट नीचे, ऐसी मान लिया मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब जरा मजेदार बात देखो, मुझे यहां बताना है एट व्हाट डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहां पर मैं गॉसियन सरफेस ले रहा हूं, गॉसियन सरफेस में ले लेता हूं एक क्यूबॉइड,
बिल्कुल क्यूबॉइड ले लिया, ये लेंथ L, अंदर वाली लेंथ इसकी B और ये वाली लेंथ 2x से दिखी रहा है, x ऊपर x नीचे, ठीक है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, क्योंकि इसको मैं क्या मान सकता हूं, अगर ये थिक शीट है इनफाइनाइट, तो बहुत पतली पतली बहुत सारी शीट्स हो सकती हैं, और हमें पता है थिन नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, अगर पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स। तो ये अगर पतली पतली बहुत सारी शीट्स हैं तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे होगा, क्योंकि पॉजिटिव रखा हमने प्लस रो, अवे होगा, ठीक है, इतनी बात। अब और यूनिफॉर्म होगा, इन्फाइनिट नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, या तो टूवर्ड्स शीट होती है, अवे फ्रॉम द शीट होता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ चार्ज। अब अगर ये गॉसियन सरफेस ऐसा है कुछ, देखो ऐसे करके बी, ऐसे करके एल और ऐसे में क्या एक्स, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इस जगह पे, तो इस जगह पे ई वेक्टर ऐसा होगा और ये हमारा क्या डी एस वन वेक्टर, मैं डी एस वन लिख रहा हूं, ठीक है। इस जगह पे देखें तो डी एस वन, क्योंकि क्लोज सरफेस के डी एस टू, क्लोज सरफेस के हमेशा जो क्या कहते हैं एरिया वेक्टर होता है हमेशा आउटवर्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसे है? ऐसे ई, चलो ये ई वन, ये ई टू, ऐसे एक और होगा बेटा, ये वाला फेस देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस पे भी ऐसे ही होगा ऊपर की तरफ, और एरिया वेक्टर किधर, बाहर। तो इस फेस पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ई थ्री और एरिया वेक्टर कैसा डॉट डी एस थ्री। भाई आपको बात समझ में नहीं आ रही तो मैं फिर समझा देता हूँ, आपके पास ये है गॉसियन सरफेस, ठीक है, अंदर चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसे ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर भी ऊपर की तरफ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, इस शीट के सिमेट्री के नीचे क्या होगा नीचे और ऊपर क्या होगा ऊपर। तो एक बात बताओ, अगर नीचे भी है तो डी एस कैसा बाहर, ऊपर है तो भी डी एस कैसा परपेंडिकुलर, यहाँ पर आ जाओ ई ऊपर और डी एस कैसा बाहर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस फेस के लिए E और DS के बीच में एंगल 90, इस फेस के लिए E और DS के बीच में एंगल 90, इस फेस के लिए E और DS के बीच में एंगल 90, इस फेस के लिए भी E और DS के बीच में एंगल 90, सिर्फ बचा कौन सा, ये वाला फेस और ये वाला फेस, E ऊपर DS ऊपर, E नीचे और DS भी नीचे, यही दो फेस बचते हैं। तो अब जरा देखो, अब अगर हम करते हैं इसे तो हम क्या करेंगे, इफ x लेस देन इक्वल टू टी बाई टू, टी बाई टू से छोटा है, ठीक है, तो क्या हो गया ई वन डॉट डी एस वन का ट्वाइस, ऊपर भी और नीचे भी आएगा ऐसे ही, प्लस ट्वाइस ई टू डॉट डी एस टू, प्लस मैंने क्या लगाया ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ लगाया, प्लस ट्वाइस ई थ्री डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब मजेदार बात देखो बेटा, ये टर्म और ये टर्म क्या हो रही है, जीरो हो रही है, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये वाली टर्म बची, ट्वाइस ई वन इंटीग्रेशन डी एस वन। बेटा इस एक्स दूरी पे ई वन का मैग्नीट्यूड इधर और इधर दोनों जगह क्या होगा, फिक्स होगा, ई वन डी एस वन इज इक्वल टू, अब क्यू इनक्लोज, क्यू इनक्लोज देखो बेटा ये वाला चार्ज, इस क्यूब क्यूबॉइड के अंदर जो भी चार्ज आ रहा है, तो क्यू इनक्लोज इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन टू वॉल्यूम ऑफ दिस, तो वॉल्यूम ऑफ दिस इज वॉट एल बी इन टू वॉट टू एक्स, तो क्या हो गया रो एल बी इंटू टू एक्स। अब ये वाला एरिया बेटा एल इंटू बी, डी एस क्या हो जाएगा डी एस वन एल इंटू बी, ठीक है, तो क्या हो गया यहां लिख देते हैं ई वन इंटू टू इंटू एल इंटू बी इज इक्वल टू टू ई वन, डी एस वन इज वॉट एल इंटू बी इज इक्वल टू रो एल बी इंटू टू एक्स अपॉन अपसाइलन नॉट। जरा देखो एल बी से एल बी कट गया,
टू से टू कट गया, तो ई वन कम्स आउट टू बी रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया कि नहीं आ गया? अगर आपको क्लियर है तो यस लिखो फटाफट जल्दी से। चलो अब बाहर देखते हैं बेटा। अब बाहर वाले पॉइंट के लिए अगर हम बात करें, सपोज यहां पर, तो मैंने यहां पर एक गॉसियन सरफेस बना दिया, कितनी दूरी पे, x दूरी पे बाहर प्लेन ऑफ सिमेट्री से, ये लेंथ l ले ली, अंदर वाली क्या ले ली, b ले ली। अगेन अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर e1 ऊपर, ds1 भी ऊपर, बाकी इस फेस पे, इस फेस पे, इस फेस पे और अंदर वाले फेस पे e और क्या कहते हैं ds के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, इतनी बात तो उसको बना नहीं रहा हूं मैं बार बार। ठीक है, तो अब क्या कहानी हमारे पास, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अ टी बाई टू, देन गॉस लॉ लगा देते हैं, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले क्यू इनक्लोज की बात करें, क्यू इनक्लोज ये वाला चार्ज हो गया, सिर्फ इतना सा क्योंकि यहीं पे चार्ज है, तो क्यू इनक्लोज कितना हो गया इस वाले के लिए, रो, जरा देखो ये लेंथ कितनी एल और अंदर कितनी बी, बेस एरिया एल इन टू बी और हाइट इज वॉट टी, क्योंकि इसी के अंदर चार्ज है, हाइट इज वॉट टी। ये आ गया हमारे पास। अब बाकी सबका जीरो है, सिर्फ इसी को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई वन इंटीग्रेशन डी एस, बाकी सब फेसेस के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू रो एल बी टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज डी एस वन, एल इन टू बी, तो ई वन L into B is equal to rho L B T upon epsilon naught, यानी कि E comes out to be rho T upon epsilon naught। एक मजेदार बात देखो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, अंदर डिपेंड कर रही है rho X upon epsilon naught पे। क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिखो चैट बॉक्स में फटाफट। अब एक मजेदार बात देखो, रुक जाओ, हो गया, बहुत हो गया। एक मजेदार बात यह है कि भाई अभी तक मैंने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई आपको गॉस लॉ से, वो सारी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी वालों की वजह से निकलवाई। अगर नॉन यूनिफॉर्म वाले की वजह से कोई सवाल आता है तो हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है, इतनी बात, तो वो भी मैं एक आधा सवाल आपको करा दूंगा, अभी अभी नहीं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं बेटा। अब देखो, मिटा दें इसे, और सवाल देखते हैं बेटा गॉस लॉ पे कुछ। हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ये फेस इसका ओपन है, मतलब हेमिस्फेरिकल शेल कह दो, ठीक है, रेडियस कितना है इसका, आर। अब दिस हेमिस्फेरिकल बॉडी is placed in uniform electric field and E is perpendicular to क्या कहते हैं this area, अगर ये area हमारा क्या है, A है, ठीक है, इतनी बात, perpendicular to A vector, ठीक है, हालांकि ओपन है, ठीक। अब मुझे क्या बताना है, फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। अब मेरी बात सुनो बेटा, दो तरीके हैं इसको करने के, एक प्रॉपर तरीका और एक क्या कहते हैं, थोड़ा
थोड़ा सा लॉजिकल तरीका, ठीक है, एक प्रॉपर तरीका लेंगे, एक लॉजिकल तरीका। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह क्या है, सेम है। तो अगर हम ऐसे देखें, इस जगह पे ई वेक्टर ऐसा है और ये हमारा क्या हो गया, डीएस वेक्टर, ई डॉट डीएस यहां पर, फिर यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सब जगह ई डॉट डीएस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा बेटा, क्या कहते हैं, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, ये एंगल कितना, थीटा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस थ्रू कर्व्ड सरफेस, यही आने वाला है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो फाई इज इक्वल टू ई डीएस कॉस थीटा फॉर कर्व्ड सरफेस, यही आ रहा है। अब आप एक चीज देखो, अगर आपके पास ये डीएस था, ध्यान से देखना, ये सरफेस आपका डीएस है, आप इसके प्रोजेक्शन ले लो दो, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा। अब ये एरिया कितना है, डीएस है, इसका प्रोजेक्शन अगर मैं यहां देखूं तो ये वाला एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला, और ये वाला एरिया कितना आ रहा है, जरा देखो, ये एरिया अगर मैं क्या लेता हूं, डी ए लेता हूं, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डीएस है, हाइपोटेन्यूस का मैग्नीट्यूड डीएस, बेस का मैग्नीट्यूड क्या, डीए, तो क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू डीए अपॉन व्हाट, डीएस, तो डीएस कॉस थीटा इज व्हाट, डीए, मतलब इसका अगर मैं प्रोजेक्शन देखूं, इस जगह पे ऐसे सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, तो डीएस कॉस थीटा इज दिस डीए एरिया। आप ऐसे समझ लो दोबारा से, अगर मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है, इतनी बात, ये डीएस है, ठीक, अब इस सन मान लो उस साइड से, तो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा यहां पर, इसका जो प्रोजेक्शन आएगा, सन सामने है, इसका प्रोजेक्शन ये वाला आ जाएगा और ये कितना हो गया, डीएस कॉस थीटा हो गया, डीएस कॉस थीटा मतलब क्या हो गया, डीए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ऐसे देख लें, यहां पर देख लें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये है, ये आपके पास क्या है, डीएस है, ये आपका क्या है, थीटा, तो आपके पास यहां पर ये छोटा सा क्या आ जाएगा, डीए यहां बन गया, ये आपका क्या हो गया, डीए, ठीक, इतनी बात। तो डीएस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, डीए प्रोजेक्शन ऑन प्लेन सरफेस दिस वन, तो क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू ई इंटू व्हाट, डीए, और बेटा ई यूनिफॉर्म है या नहीं है, ई तो हमने क्या लिया हुआ है, यूनिफॉर्म लिया हुआ है, अगर हमने ई यूनिफॉर्म लिया हुआ है तो फाई ई बाहर, अंदर क्या, डीए, 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 सारे डीए जब सम हो जाएंगे, सारा प्रोजेक्शन सम हो जाएगा तो किसके बराबर आएगा, ये वाला पूरा का पूरा क्या, फ्लैट सरफेस एरिया, एंड फ्लैट सरफेस एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस क्या आ जाएगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। एक तरीका तो ये हो गया बेटा इसको सॉल्व करने का, जो प्रॉपर तरीका है, अगर आपको समझ में आ गया तो यस लिखो। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं बेटा, मिटा दूं इसे, ये तो एक मेथड हो गया करने का प्रॉपर। दूसरा मेथड, मैंने क्लोज्ड हेमिस्फीयर लिया, मैं बता नहीं रहा हूं मेथड अभी, पहले समझ लो क्या कह रहा हूं, क्लोज्ड हेमिस्फीयर, ठीक है, इतनी बात, मतलब इधर से भी बंद है और ये कर्व्ड सरफेस है, ये भी बंद है, क्लोज्ड हेमिस्फीयर, और किस में रख दिया इसे,
ई इज व्हाट यूनिफॉर्म. अब आप एक मजेदार बात देखो, ई यूनिफॉर्म है, ये लाइन ऐसे एंटर करती है और ये लाइन ऐसे करके क्या कर गई, बाहर निकल गई. ऐसे ही यहां पर भी अब एक बात बताओ, जितनी लाइनें एंटर कर रही हैं उतनी लाइनें क्या कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं. तो टोटल फ्लक्स इज व्हाट, जीरो. टोटल फ्लक्स इज व्हाट, जीरो, क्योंकि नेट इसको क्लोज सरफेस को कोई लाइन ना इसमें नेट एंटर कर रही है ना इससे बाहर निकल रही है. जितनी एंटर कर रही है उतनी बाहर निकल रही है, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो. इतनी बात कितने लोगों को समझ में आती है, यस लिखो. ठीक है, अब ऐसा इसलिए भी, आप देखो यहां पर ई ऐसा है और जो एरिया वेक्टर लेंगे डीएस, डीएस प्लेन सरफेस का, वो किधर आएगा, इधर आएगा. तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा नेगेटिव होगा. यहां पर अगर आप ई ऐसे दोगे और जो इसका एरिया वेक्टर आएगा वो ऐसा आ जाएगा डीएस कर्व्ड सरफेस का. ठीक है, इतनी बात. तो इसमें एंगल क्या आ रहा, अक्यूट आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करके क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. और अगर डीएस का आप कंपोनेंट लोगे ई के अलोंग प्रोजेक्शन, तो वो यही वाला आएगा, लेकिन किधर आएगा, बाहर की तरफ. तो इसका और इसका फ्लक्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, मैथमेटिकली भी क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है. ये बात कितने लोगों को समझ में आती है, फटाफट बताओ. सीएस वाला भी पीछे आ सकता है, सीएस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पीछे आ सकती, कौन बोला भैया. अच्छा, डीएस वेक्टर कभी नहीं आएगा. मैंने बोला था क्लास में कि अगर क्लोज सरफेस है तो उसका जो एलिमेंटल डीएस एरिया वेक्टर है उसको हमेशा आउटवर्ड लेना है. क्लोज सरफेस के लिए डीएस वेक्टर या एस वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होगा. मेरी बात सुन लो, क्लोज सरफेस के लिए जो भी एरिया वेक्टर आप लोगे क्लोज सरफेस में, वो हमेशा किधर की तरफ लोगे, बाहर की तरफ लोगे, अंदर की तरफ कभी भी नहीं लोगे. ठीक है, इतनी बात. और तो इसका डीएस आउटवर्ड देखो इधर, और इसका डीएस आउटवर्ड इधर. तो यहां अगर मैं इस डीएस का प्रोजेक्शन लूं तो इसी के बराबर आ जाएगा. अभी पढ़ा था हमने, इसी का प्रोजेक्शन यहां आता था. तो ये पॉजिटिव डॉट प्रोडक्ट और ये उतना ही नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट, आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया. अब मेरी बात सुनो, फाई टोटल इज जीरो, दिस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, दोनों का सम है, प्लेन सरफेस का फ्लक्स प्लस कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स. इसमें कितने लोगों को दिक्कत है जल्दी बताओ. जो मैंने लिखा टोटल फ्लक्स जीरो है और वो किसके बराबर होगा, प्लेन सरफेस का फ्लक्स प्लस कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स. किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्लियर है. चलो अब बेटा देखो, प्लेन सरफेस का फ्लक्स निकालना आसान है. क्यों आसान है, क्योंकि एंगल हर जगह क्या बन रहा है, 180 बन रहा है. कहीं भी देख लो आप, तो जीरो इज इक्वल टू ई डॉट डीएस प्लेन सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस मुझे निकालना है. अब ई यूनिफॉर्म है और एंगल ई और डीएस के बीच में हर जगह क्या, 180 है. तो हम क्या कह सकते हैं, जीरो इज इक्वल टू माइनस ई यूनिफॉर्म है बाहर आ गया, ई इंटू डीएस प्लेन सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस. अब एक बात बताओ, डीएस 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 सारे डीएस का सम जो प्लेन सरफेस पे आएगा कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा. तो जीरो इज इक्वल टू माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस. तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज ई पाई आर स्क्वायर. आगे कि नहीं आगे, यस और नो. अगर यस है तो यस लिखो. ठीक है, सबको क्लियर है. अब आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा मिटा दें इसे. अब इसके बाद अब आते हैं हम किस पे. ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर. एक और सवाल लेते हैं. यहां पर हमारे पास प्लस क्यू वन चार्ज है और यहां पर माइनस क्यू टू चार्ज है. बेटा हमने पढ़ा हुआ है इससे कितनी लाइनें निकलती हैं, क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस पे कितनी खत्म होती है, क्यू टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो इसकी सारी लाइनें इस पे खत्म नहीं होंगी. ठीक है, इतनी बात. दोनों बराबर नहीं है इस वजह से इसकी सारी लाइनें इस पे खत्म नहीं होंगी. अगर बराबर होता, डाइपोल होता, तो इससे निकलने वाली सारी लाइनें इस पे खत्म होती.
ठीक है, इतनी बात। तो इससे कितनी लाइनें निकल रही हैं, फ्लक्स इमर्जिंग इज क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स टर्मिनेटिंग इज क्यू टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहानी है। मैंने क्या कहा, अगर यहां से कोई एक लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है जिसका टेंजेंशियल एंगल अल्फा है, और वही लाइन जब यहां पे टर्मिनेट करती है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है। ठीक है, इतनी बात। यहां से कोई लाइन अल्फा एंगल पे निकली और वहां पर जब टर्मिनेट हुई तो कितने पे टर्मिनेट हुई, बीटा एंगल पे। देन फाइंड मॉड ऑफ क्यू वन अपॉन मॉड ऑफ क्यू टू, ये करना है आपने, मॉड ऑफ क्यू वन अपॉन मॉड ऑफ क्यू टू। कितने लोग करना चाहेंगे इसे, तो करो फिर, दो मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी करो। चलो अब देखते हैं बेटा, इससे लाइन जो अल्फा एंगल पे निकली वो वहां बीटा पे खत्म हो रही है, तो इसके अंदर कोई दूसरी लाइन रही होगी तो वो भी इस पे खत्म हुई होगी। इसके अंदर कोई भी लाइन रही होगी यहां खत्म होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि इधर जो अल्फा एंगल के अंदर लाइनें निकल रही हैं, मतलब जो कोन बन रहा है और उसमें अल्फा के अंदर जो लाइनें निकल रही हैं वो यहां पर किस कोन के अंदर खत्म हो रही हैं, बीटा वाले कोन के अंदर खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब यहां से अल्फा एंगल में जितनी भी लाइनें निकलेंगी वो इधर बीटा वाले में क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो इसका मतलब यहां से निकलने वाली लाइन क्यू वन से निकलने वाली लाइंस विद इन कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा टर्मिनेट ऑन Q2 विद इन कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल बीटा। मतलब दोनों में इससे निकलने वाली लाइंस और इसमें खत्म होने वाली लाइंस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अब जरा देखो, अगर सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 है, तो कितनी लाइंस निकल रही होंगी। हमने पढ़ा है 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए कोई भी चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइंस निकालता है, 1 स्टेरेडियन के लिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओमेगा सॉलिड एंगल के लिए दसियों बार हो गई बात, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। एंड हमें एक बात पता है, ओमेगा अगर सेमी वर्टिकल एंगल के हिसाब से देखें तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल, किसके बराबर हो गया, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब इससे अल्फा एंगल पे लाइन निकल रही है तो कितना हो गया, Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, इससे इतनी लाइनें निकली और ये सारी इस पे खत्म हुई जो अल्फा के अंदर से निकल रही हैं, इस पे सारी खत्म हुई। तो इधर जो खत्म होने वाली है क्यू टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस बीटा, टू एप्सिलॉन नॉट कट गया, क्यू वन अपॉन क्यू टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस बीटा अपॉन वन माइनस कॉस अल्फा। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज टू साइन स्क्वायर बीटा बाई टू, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। कितने लोगों को ये सवाल क्लियर है, यस लिखो फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या बेटा हमारे पास, ध्यान दो, हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है करंट आई, करंट कैरिंग वायर कंडक्टिंग होनी चाहिए आपको पता है, तभी करंट उसमें फ्लो करता है। इसके अराउंड हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया, इस वायर को इनक्लोज करता हुआ
एक क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। आप मुझे बता दो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस कितना होगा, जल्दी से बताओ आंसर। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस लिखो, सही बात है। देखो एक मिनट, मैं तुम्हें बता देता हूं, बहुत बड़े निकम्मे हो। टेंथ क्लास में पढ़ा था करंट कैरिंग वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, करंट कैरिंग वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब करंट कैरिंग वायर ही न्यूट्रल है तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है पूरा, न्यूट्रल है तो क्यू इनक्लोज क्या हो गया, जीरो। क्यू इनक्लोज इज व्हाट, जीरो। और फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जब क्यू इनक्लोज जीरो हो गया तो ये अपने आप क्या हो गया, जीरो हो गया भाई। यस और नो, अरे बात ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं, हमारे पास एक ये अगेन हेमिस्फीयर है, बेस से ओपन है, ठीक है, बेस से ओपन है। अब हर्षित क्या कह रहा है, फील्ड तो प्रोड्यूस होगी, अगर करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, करंट कैरिंग वायर डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आगे चल के पढ़ेगा कि करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करता, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की तो बात हो नहीं रही है, किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक। अब सुनो, अब क्या कहानी बेटा, मैंने एक पॉइंट चार्ज इस बेस के प्लेन में यहां रख दिया, प्लस क्यू। अब मैं पूछूंगा, किससे पूछूं, दिग्विजय से पूछ लेते हैं। चलो दिग्विजय सुन, अब बता, ये मैंने प्लस क्यू रखा, मुझे बताना है फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, जल्दी बताओ। चलो बाकी लोग बता दो, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, हर्षित ने लिखा जीरो, सही है, जीरो सही है, बिल्कुल सही। जीरो इसलिए होगा क्योंकि आप ऐसे देखो, इससे जो लाइन आएगी वो अंदर भी गई और बाहर भी गई, इससे जो लाइन आएगी वो अंदर भी गई और बाहर भी गई, तो अगेन क्या हो गया, जीरो। अब मैंने यहां रखा प्लस क्यू, अब बताओ फ्लक्स जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, फ्लक्स अब जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है। देखो कुछ लाइनें ऐसी होंगी जो अंदर तो आई लेकिन बाहर नहीं गई, अंदर आ रही है क्योंकि ये तो ओपन है, अगर इसको भी क्लोज कर दूं तो क्या हो जाता, ये भी जीरो हो जाता, तो अब फ्लक्स क्या होगा, नॉन जीरो। क्लियर इतनी बात, अरे यस और नो, चल अब आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो अब लेक्चर यहीं रोक रहे हैं, पिछला लेक्चर आप पूरा देख लो, ठीक, उसके बाद ये वाला लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा। अब हम काफी हद तक कर चुके हैं, बोर्ड का सिलेबस पूरा हो गया, अब हमें सिर्फ जेई एडवांस के सिलेबस की बात करनी, जहां से जेई एडवांस के क्वेश्चन आएंगे तो वो वाला मुझे कराना है, ठीक है।